ओशो, जो दुनिया के एक बहुत बड़े दार्शनिक और विचारक हुए और दुनिया भर में उनके फॉलोअर पाए जाते हैं, उनके कुछ अति उत्तम विचार मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। ओशो कहते हैं, यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है, हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। ओशो कहते हैं, जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट नजर आती है। ओशो कहते हैं, मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं और बुद्धिमान केवल खुद पर। ओशो कहते हैं, किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं जैसे हैं एकदम सही हैं, खुद को स्वीकारिए। ओशो कहते हैं, जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं तो मेरा मतलब होता है कि आप अनंत संभावनाओं के व्यक्ति हैं और आप अनंत कार्य कर सकते हैं। ओशो कहते हैं, गंभीरता एक बीमारी है, आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है और चंचलता सबसे बड़ी सेहत है। ओशो कहते हैं, बड़ा मुश्किल है उस इंसान को समझाना जो जानता सब कुछ है पर मानता कुछ भी नहीं। ओशो कहते हैं, इत्र मित्र चित्र और चरित्र किसी की भी पहचान मोहताज नहीं, यह चारों ओर अपना परिचय स्वयं देते हैं। ओशो कहते हैं, जब दो प्रेमी साथ होते हैं तो वास्तव में वे परमात्मा के मंदिर से ही गुजरते हैं। आपको ओशो के विचार जो मैंने बताए कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छे ना लगे हों तो सजेशन दें। धन्यवाद।